वेरी गुड आफ्टरनून ऑल माई डियर स्टूडेंट्स अब तो हदें पार हो गई तारीख पे तारीख़ ये देरी क्या इसलिए हो रही है कि 18 लाख 19 लाख बच्चों ने पेपर दिया था और अपलोड नहीं हो पा रहा है अपग्रेड नहीं हो पा रहा है सारी फर्जी बातें हैं मेरा पूरा पूरा मानना है बहुत एनालिसिस के बाद कि एन कम से कम बोनस क्वेश्चन देना चाहती है उसे कोई मतलब नहीं है कि एक्चुअल क्वेश्चन कौन सा बोनस होना चाहिए उसे मतलब है कि हम कैसे बचें हम अपने एरर्स कम से कम कैसे शो करें यानी कि कम से कम बोनस क्वेश्चन हो सकता है तो एक भी क्वेश्चन बोनस ना दें अब उससे उसका रीजन क्या शो करेंगे अगर किसी ने केस फाइल किया तो इन्हीं सब बातों के कारण एन आंसर की देने में दिक्कत में है और इसीलिए वक्त लग रहा है क्या लग रहा है आपको एक बटन दबाते ही कंप्यूटर सारा काम जो करता है ये कोई बिरवल की खिचड़ी कि पकने में टाइम लग जाएगा बैलगाड़ी से आ रहा है रिजल्ट कोई भी इतना मासूम बच्चा नहीं है जो ये बातें नहीं समझ सकता है हर एक कैंडिडेट ये समझ रहा है एंटीए और ये मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ इसलिए बात कर रहा हूँ कोई भी थोड़ी भी बुद्धि लगाएगा समझ सकता है कि मुद्दा सिर्फ एक है कि आप आंसर की देते समय क्या करेंगे क्या आंसर देंगे अगर किसी क्वेश्चन के दो आंसर हैं और डेफिनेटली है ऐसा तो आप कैसे बताएंगे कि भैया दो में से कौन सा सही है कि हम बोनस डालें क्या डालेंगे आप सो दिस इज योर प्रॉब्लम और आप टाइम पे टाइम देते जा रहे हैं बच्चों को बता दीजिए कि हम किस दुविधा में हैं अरे चार क्वेश्चन हटा दीजिए रिजल्ट बना लीजिए हद हो गई चलिए बच्चा लोग फिर भी मैं ये कहूँगा पेशेंस कैसे बोलूँ मैं पेशेंस रखिए यहाँ अपना ही पेशेंस मैं लूज़ कर रहा हूँ फिर भी कोशिश करिए बच्चा ये एंटीए है क्या बोले